hello and welcome to video recording session of divya brahmalok global academy this is a video for value education in which we will be developing a new value on this new day this story is based on a chinese philosopher whose name is confucius and the name of the chapter is chapter number 10 confucius the great सो लेट्स बिगिन with this story. This story helps the स्टोरी दिस स्टोरी हेल्प्स us टू डेवलप ह्यूमिलिटी सी द कोटेशन गिवन बाय महात्मा गांधी when यू आर confronted with एन अपोनेंट conquer him with लव आपके सामने अगर आपका कोई दुश्मन भी आके खड़ा हो जाए तो उन्हें बड़े प्यार से हराया जा सकता है झगड़ा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं So here is lesson number ten, Confucius the Great, which helps us to develop the value of humility. It will teach us to be humble, to be kind, to be polite. What are the things you already know? That what do you understand by the word humility? The humility ka matlab, being kind, being humble, being down to earth. What do you understand by the saying? द मोर द फ्रूट्री हैज द मोर इट बेन्स ये देखो ये फलों से लदा हुआ जो पेड़ है वो कितना जमीन की तरफ झुक गया है एंड आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर दिस चैप्टर विल बी अ पर्सन हु कैन स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग बेस्ट ऑफ टाइम्स इज रेयरली वीक इन दर्स्ट ऑफ टाइम आप अपने अच्छे समय में जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही आप अपने खराब समय में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना पाएंगे वन शुड ऑलवेज कीप वंस हेड हाई बट फर्मली ऑन वंस शोल्डर कोई भी चीज़ के लिए आपको अपेक्षा करना आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ये सब अच्छी बात है अच्छी कल के लिए प्लानिंग करना ये सब अच्छी बात है बट आपको आपके आज पे और आपकी काबिलियत पे कैपेबिलिटी पे भी आपका आपको भरोसा होना चाहिए आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके लिए क्या पॉसिबल है आपके लिए क्या पॉसिबल नहीं है ऐसे ही हवा में कुछ भी बातें नहीं करनी चाहिए प्राइड एंड एरोगेंस बेगेट कर्सेस ह्यूमिलिटी ड्रॉज ब्लेसिंग

you will receive so many blessings from each and every person you meet so here goes the story that according to our scriptures what are scriptures scriptures matlab ki aisi baatein purani baatein jo ki hamari holy book mein likhi gayi ho ya पुराने जमाने की कोई ancient time की कोई book, हो granth हो उसमें लिखा गया हो उसके अनुसार नॉलेज ब्रिंग्स विथ इट ह्यूमिलिटी द मोर नॉलेजिबल यू आर द मोर हम्बल यू विल बी आपने देखा होगा अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम उनमें उनके पास इतनी सारी नॉलेज थी उसके बावजूद भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था ही वॉज़ वेरी मच हम्बल वो किसी भी कैटेगरी का इंसान हो गरीब इंसान से मिले अमीर इंसान से मिले छोटे बच्चे से मिले बट ही वॉज़ हम्बल विथ ऑ ऑल ऑफ देमें इतनी सारी नॉलेज थी कि उनको घमंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ह्यूमिलिटी ब्रिंग्स वर्दीनेस दैट हेल्प्स टू गेट वेल्थ वेल्थ इज मीन्स टू विन फ्रेंड्स एंड गेन हैप्पीनेस आपके पास धन दौलत शोहरत तभी आएगी इफ यू आर हम्बल एंड वंस You are humble, once you are rich and wealthy person, then you will be able to make new friends, you will be able to attain happiness, you will be able to attain satisfaction in your life. Confucius was a great saint in China, Ebola. He was a great philosopher, he was a great saint, he belonged to China. देर इज एन इंसीडेंट रिलेटेड रिलेटिंग टू द पीरियड वेन ही वॉज ही हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड ऑफन रिमेंड इल नाव अब उनकी उम्र हो चली थी ये उस समय की बात है जब उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी ओल्ड एज की वजह से एंड उन उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक किस्सा है जो कि हमको समझना है क्योंकि उसमें से हमको एक बहुत अच्छा सा मैसेज मिलने वाला है ही थाट That his end was near, he uh, sensed this thing कि अब तो उनकी मृत्यु तय है। He called his disciples. Disciples मतलब कि उनके जितने भी शिष्य चले जो थे, उन सभी को Confucius ने बुलाया and said, "My dear sons, I feel that my end is drawing near. Before I die, I wish to tell you something special. "अ कन्फ्यूशस को पता चल गया कि उनकी मृत्यु निश्चिंत है तय है कभी भी उनका देहांत हो सकता है तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को चेलों को बुलाया और बड़े प्यार से कहा कि मैं मेरी लाइफ से जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ यू शुड ऑलवेज रिमेंबर ऑल द डिसाइपल्स वेर सैड दैट एंड ऑफ द टीचर वॉज सो नियर They listened to their teacher carefully. Now, Confucius was a great saint, great teacher. He was loved by all his disciples. And they were very sad to hear that uh, their saint, their guru, is going to die. So they were listening to their teacher very carefully. Confucius said, Look into my mouth.

हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग नाउ कन्फ्यूशस ने अपना मुंह खोला एंडाइपल ने अंदर मुंह में झाकने की कोशिश की उसके बाद कन्फ्यूश ने उस से पूछा कि कुछ समझ में आया आपको द डिसाइपल कुआउट एनीथिंग सो दे कुट गिव अटिस्फेक्ट दे कु नॉट गिव अटिस्फेक्ट्री रिप्लाई एक ही बात एक सभी डिसाइपल ने ट्राई किया बट किसी को What did you see in my mouth? Confucius asked again. The disciple again kept silent. He could not understand what the teacher wanted to show in his mouth. The teacher insisted the students to look into the mouth again and again, but the students failed to understand the message of the teacher. In this way, he asked all his disciples one by one to look into his mouth and tell him what they could see inside. Now, Confucius asked all his students one by one to look into the mouth of Confucius, but none of them could understand what the teacher wanted to say. All the disciples tried their best, but nobody could give any reply. At the end, Confucius said, Kya bola ji ne? Could you see my tongue in my mouth? Kya Apne mere mo andar meri tongue dekhi? All the students, they said, Yes, sir, said all the disciples. Then Confucius asked, And teeth? Then what was the reply of disciples? There are no teeth in your mouth, sir. We are unable to see any teeth, the disciples said. As Confucius was an old person, to unke Sare daant jhad gaye the. All the permanent teeth were gone because he was an old person. Confucius smiled a bit and said, This the most important lesson in life. This is actually the most important lesson. At the time of birth, the boy has only a tongue. ये तो आप सभी जानते हो कि जब आप पैदा होते हो तब आपके मुंह में टंग होती है his teeth। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो तब डेवलप होती है बट अ टाइम कम्स वेन टीथ बिगिन टू ड्रॉप वन बाय वन आपने देखा होगा आपके दादा दादी के एक के बाद एक धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं हाउ एवर द टंग नेवर ड्रॉप्स कभी देखा है आपने की किसी की जीभ निकल गई हो उम्र की वजह से नो इट रिमेन्स वेर इट इज डू यू नो वाई सो देूश इज आग टू हिस्सा के ऐसा क्यों होता है दिस टाइम अगेन ऑल द डिस नॉट अंडरस्टैंड कन्फ्यूशियस लुकड एट हिस्स डिसाइपल्स स्माइल्ड एंड सेड the teeth are very hard so they drop देखो जो teeth होते हैं आपने देखा है कि they are very hard है ना आप teeth से तो गन्ना भी चबा सकते हो अखरोट भी तोड़ सकते हो but they are not lasting for your entire life वो एक समय आने के बाद drop हो जाते हैं but the tongue is soft and humble आप देखो आप अपनी जीभ को यू कैन रोल योर टंग यू कैन स्ट्रेच योर टंग आप अपने टंग के साथ कुछ भी कर सकते हो है ना बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड हम्बल सो इट कंटिन्यूज टू से इन द माउथ जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आपके माउथ में टंग रहती है कंफ्यूशस सेड लेट मी नो व्हाट अंडरस्टूड अब मुझे बताओ कि अब क्या समझ में आया देन अ डिसाइपल सेड I feel that a person should be humble. Only a humble person can enjoy the pleasures of life. तो उन disciples में से एक ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि one has to be humble, one has to be kind, one has to be down to earth, because only a humble person can enjoy the pleasure of life. अगर आप हम्बल होगे अगर आप काइंड होगे जेंटल रहोगे तो ही जिंदगी के सारे अनुभव को आप एक्सपीरियंस कर सकोगे आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकोगे नो वन वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड ऑफ अ हॉटी और हार्श पर्सन अब आप ही बताओ कि विल यू बी हैप्पी टू मेक अ रूड पर्सन योर फ्रेंड you won't enjoy rude person's company, isn't it? all people want that their friend should be mind and humble. always remember, if a tree has more fruit, it bends more. just like this tree. similarly, if a person has more virtues, he becomes humble and mild. जो भी इंसान अगर उसमें नॉलेज है उसमें क्वालिटीज़ uh, है अच्छी क्वालिटीज़ है तो वो ज़्यादा हम्बल होगा वो कभी किसी पे गुस्सा नहीं करेगा वो कभी किसी को डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करेगा देयर फॉर इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड सिटीज़न इफ़ यू वॉन्ट टू गेट रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस ह्यूमिलिटी अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो ये तभी मुमकिन है इफ़ यू आर काइंड एंड हम्बल आज हम गांधी जी को याद करते हैं अब्दुल कलाम को याद करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं क्यों बिकॉज दे वेयर वेरी मच काइंड एंड हम्बल दे ऑल वेर हैविंग गुड क्वालिटीज दे ऑल वेयर वेरी नॉलेजेबल पर्सन बट स्टिल वी रिमेंबर देम बिकॉज दे वेर जस्ट लाइक द ट्री बेरिंग ग्रेट फ्रूट्स और इसीलिए वो डाउन टू अर्थ थे और डाउन टू अर्थ लोग सभी को प्यारे होते हैं द सेम मैसेज इज गिवन बाय दिस पोएम रीड एंड एंजॉय दिस पोएम एंड डेवलप वैल्यू ऑफ ह्यूमिटी सो वॉट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन दैट आई विल इंश्योर टू बी नॉट वीक एन सर्वेल मै कोशिश करूँगा या करूँगी कि मेंटली मैं स्ट्रांग बनू एंड ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर हम्बल आई विल से आई विल स्टे कॉन्फिडेंट इन फेलियर्स एंड हम्बल इन सक्सेस वेन एवर आई एम फेलिंग इन एनी ऑफ द टास्क देन आई विल बी कॉन्फिडेंट कि कल मैं अच्छा ही करूँगा या करूंगी एंड वेन एवर आई एम गेटिंग सक्सेस सो so, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा या करूंगी जिसकी वजह से दूसरों के दिल को तकलीफ पहुंचे आई विल बी सो मच सो वेरी हम्बल आई विल ऑलवेज फेस चैलेंजेस इन डिफिकल्ट टाइम्स वॉट एवर द सिचुएशन इज आई विल बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस सो इफ वी हैव टू टेक द ऑप्शन ट्रू और फॉल्स देन आई शो ऑफ माई गिफ्ट्स टू माई फ्रेंड्स

And Happy Diwali!